तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए तो लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना। अगर अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग है ना। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए तो लोग है ना। प्यार करना है तो SHPL से कर, दुश्मनी करने के लिए तो लोग है ना। रहना है तो बच्चा बनकर रहे, समझदार बनाने के लिए तो लोग है ना। भरोसा रखना है तो खुद पे रख, शक करने के लिए तो लोग है ना। तू बस सवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए तो लोग है ना। खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग है ना। तो कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए तो लोग है ना। तू तू भी करना है तू आज कर, जो भी करना है तू आज कर, कल करने के लिए तो लोग है ना। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरबजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन वेबिनार में, फैबुलस फ्राइडे में, जहां पर हम मिलते हैं एक बेहतरीन लीडरशिप से, एक बेहतरीन लीडर से, और जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आज वो दिन आ गया है दोस्तों, और एक बार फिर से ये साल का पहला फैबुलस फ्राइडे है, और जहां पर हम लीडरशिप से बात करने वाले हैं। और इस फैबुलस फ्राइडे में आप सभी को पता है कि कौन आने वाला है, उनका नाम आप सभी को मालूम है। और आज मैं भी बहुत खुश हूं उनसे मिल करके, उनकी बातें सुनने के लिए बेकरार हूं, जैसे आप सब बेकरार हैं। लेकिन आपकी बेकरारी, आपकी एनर्जी, आपकी उत्सुकता, ये मुझे तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक मैं आपको अनम्यूट ना करूं। तो यहां पर दोस्तों वक्त है अनम्यूट करके आपकी एनर्जी, आपकी उत्सुकता को जानने का कि आप कितने बेकरार हैं, उनको सुनने के लिए हाँ आपके या 10 रेडी सर, जय श्री राम, बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है, और मुझे लग रहा है कि आज तो कमाल होने वाला है, और जो आने वाले हैं वो भी कमाल के हैं। और उनकी बातें इतनी बेहतरीन, इतनी मीठी हैं, और सुनकर लगता है कि उनको घंटों घंटों सुनते रह जाए। लेकिन दोस्तों आज के 40 मिनट जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, और इन 40 मिनट में वो हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये 40 मिनट आप किसी और को नहीं, सिर्फ जूम पे रहेंगे, और जूम पे अपने कान को और अपने दिमाग को खोल करके रखेंगे, क्योंकि आज वो SHPL के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे हैं, जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर। आज उस पायदान को उन्होंने कैसे हासिल किया है और कैसे इस औहदे पर वो पहुंचे हैं, वो जर्नी और वो सक्सेस का मंत्र हमें बताने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि कुछ ही पलों में वो हमारे साथ यहां पर जुड़ने वाले हैं। मैं उनके स्वागत में कुछ कहना जरूर चाहूंगा कि बस तू है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहां। बस तू है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहां। गर हो ना भरोसा बात में तो, गर हो ना भरोसा बात में तो तू भी यहां और मैं भी यहां। तेरे हुंकार में वो दम है, तेरे हुंकार में वो दम है, सारी दुनिया भी थम जाए, खुद पर हो विश्वास अगर, खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या
वक्त बदल जाए। तो दोस्तों मात्र 9 महीनों में उन्होंने वक्त बदल दिया और एक साधारण से इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर से वो प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बन गए। और यहां तक की जर्नी उन्होंने कैसे हासिल करी तो अब हम सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की तरफ से। तो बहुत तहे दिल से जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं, प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर उमेश कुमार चौरसिया सर का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। उमेश सर, जहां कहीं भी हो, प्लीज, आपका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है और अब आपको हम स्पॉटलाइट में भी देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। स्वागत है सर, कैसे हैं? धन्यवाद। और आपका जो ये वेलकम करने का तरीका है, जो शेरो शायरी है, वाकई में बिल्कुल आपकी स्माइल के आगे ना सब फीका है जाता सर, आपकी स्माइल है। थैंक यू के सर। आगे सब फीका है। जी सोच का और आपका देखने का जो नजरिया है, ये उस नजर का कमाल है कि मैं इतना खूबसूरत दिख रहा हूँ और मेरा स्माइल इतना खूबसूरत दिख रहा है। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। और आज की इस नए साल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बार सभी लोगों को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जिस ईश्वर को मानता हूं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि ये नया साल आप सबके लाइफ में इतना बेहतरीन साल हो कि आपके जीवन का जो भी ड्रीम हो इस 2024 के अंदर जरूर वो पूरा हो। एक बार अगेन हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और आज की ये जो लीडरशिप मीटिंग है, मैं इस मीटिंग में बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण बात करने वाला हूँ आप सब लोग के बीच में, जिससे कि मुझे लगता है कि हम में से हर एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, अपने जीवन में एक नया इतिहास रचना चाहते हैं, जो कि अपने जीवन में एक नई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एक नई पहचान बनाना चाहते हैं, उनके लिए आज की जो ये मेरी बातें हैं, मुझे लगता है कि हम में से जो लोग भी इस बातों को अगर अच्छे तरीके से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने जीवन में लागू करके उसके ऊपर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आप में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उस कामयाबी तक पहुंच सकते हैं जिसका ख्वाब, जिसका सपना लेकर के आप में से हर एक व्यक्ति इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मेरा नाम उमेश है और आप सब लोग को मालूम है कि इस कंपनी में मैं प्रेसिडेंटियल क्लब डायरेक्टर लेवल पे काम करता हूँ। और इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं भी एक स्टूडेंट था। मेरे भी जीवन में सपने थे कि अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने जनरेशन के लिए मैं भी किसी प्लेटफॉर्म पे काम करके कुछ बेहतर करूं, जहां से मेरा भी कैरियर बेहतर हो और मुझे मौका मिला। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम करने का और आज सोच रख करके काम करने वाले फॉर्म पे ये प्रोफेशन ने बहुत कुछ दिया है। और सिर्फ बहुत सारे लोग नहीं है, है कि आप में से हर एक व्यक्ति अगर इस पे काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 2000, अच्छा किसी ने मैसेज किया है कि सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा कट कट आवाज के आ क्लियर रहा आ रहा है, है अगर जिनको आ रहा है एक बार हाथ खड़ा। अभी क्लियर है, बीच बीच में कट रहा था, अभी क्लियर। ओके 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 सर, 1 मिनट मुझे दीजिए। जी प्लीज आप देख लीजिए उसको।
अभी क्लियर है? ओके, इस हाँ बीच थोड़ा सा आपका नेटवर्क का इशू आ जाए तो। अभी भी कट रहा है सर आवाज मिस्टर। ये बोल रहा था दोस्तों, एक मिनट वाईफाई चेंज करता हूँ। वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू होगा इस कारण से सर का आवाज नहीं क्लियर आ रहा है, बट वो वाईफाई चेंज करके फिर से कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ। तो सर क्लियर आ रहा है? अभी भी थोड़ा कट कट के आ रहा है, थोड़ा सा आप बोलेंगे फिर क्लियर होगा आवाज सर। क्लियर आ रहा है? हाँ जी, अभी भी कट कट के आ रहा है सर, थोड़ा सा अगर आप बोले कंटिन्यूअसली तो समझ में आएगा। अभी वैसे कट के आ रहा है। एक मिनट बस मुझे एक। ओके 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 ओके, मैं अभी कर रहा हूँ, एक मिनट। एयरटेल 5G, सर प्लीज रिप्लाई। अब आवाज क्लियर आ रहा है? ओके हाँ अभी क्लियर है सर, अभी क्लियर, ओके, 4G कनेक्ट हो गया था, मैंने 5G कर लिया, अब आवाज क्लियर है ना? थैंक अभी क्लियर है बिल्कुल सर, परफेक्ट यू, थैंक यू सो मच भैया, जी थोड़ा सा वो लैपटॉप ने कर लिया था। चलिए जी सर। दोस्तों, सॉरी चाहूंगा, मैं बात कर रहा था जीवन में कामयाबी का, और हम सब में से जितने सारे लोग इस स्क्रीन पे हैं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब होना चाहते हैं, और हर एक एक व्यक्ति की यही सोच है कि वो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे, इस जगह पे काम करके अपने जीवन में उन सपनों को पूरा करे जिसका ख्वाब लेकर के इस इंडस्ट्रीज में वो किसी ना किसी दिन जुड़े थे। आज मैं बहुत टॉपिक पे आप सब लोगों से बात करी, सोच है जो हमारा विजन है वो कैसे काम करता है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने लाइफ में कामयाब होते हैं। जैसे हमें से जितने सारे लोग इस स्क्रीन पे हैं, बड़े सारे लोग, हम सब लोग बचपन में अपना बचपन गुजारे होंगे, और मुझे लगता है कि जब एक व्यक्ति छोटा होता है, बच्चा होता है, जब उसको ये समझ नहीं होती है, जब उसको अपने घर की परिस्थिति के बारे में पता नहीं होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता पता नहीं होता है, घर का सिचुएशन क्या हो, तो जब एक बच्चा, तो वो बच्चा उसके माइंड में जिस भी चीज का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, वो व्यक्ति, वो बच्चा उस चीज को बनने के बारे में बोल देता है। जैसे अक्सर अगर आपके घर में कोई बच्चा है, और अगर आप उससे पूछेंगे, बोलता है बड़ा होकर मैं पायलट बनूंगा, कोई बोलता है बड़ा होकर के मैं टीचर बनूंगा, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता है मैं आर्मी में जाऊंगा, कोई बोलता है मैं डीएम बनूंगा, मैं एसपी बनूंगा, बहुत सारी चीजें ऐसे हम सब लोगों के माइंड में, या हम के हमारे घर में जो भी बच्चे होते हैं, हर व्यक्ति का अभी भी किसी का आवाज अभी भी क्लियर नहीं है सर, बीच बीच में कट रहा है।
उमेश सर अभी आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार चेक करिएगा कनेक्शंस। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण सर का आवाज आ रहा है, तो इंटरनेट स्लो है और हम वेट कर रहे हैं कि उनका इंटरनेट कनेक्ट है, फाइव हम उनको इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और बहुत जल्दी उमेश सर हम सबसे कनेक्ट होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपके इस सब्र का बहुत अच्छा फल मिलेगा और ये सब इंतजार करें। शायद मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी और मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी से गुजारिश यही है कि थोड़ा सा इंतजार और फिर हमारे सर हमसे कनेक्ट होंगे और हम उनकी बातों को सुन पाएंगे। तो बिल्कुल लग रहा है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आई एम वेटिंग मिला है और कई लोग, दैट्स ग्रेट। ये आप आवाज अब मेरा क्लियर आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है सर, अभी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, कुछ हो सकता है, हो गया हो, किसी ने मैसेज किया कि सर डाटा पैक चेक कर लीजिए एक से एक लो चलिए अब आवाज आ रहा भैया? हो जी बिल्कुल क्लियर क्लियर। सकता है इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो, अनलिमिटेड डेटा है, 5G है, बट घर पे दो दो वाईफाई है, किसी कारणवश हो सकता है टेक्निकल कुछ इशू आ रहा है, और टेक्निकल इशू में हम कुछ नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कि अब आप सब लोग को मेरी आवाज़ जा रही है, अगर एक बार आवाज़ आ रहा है तो हाथ एक बार खड़ा कर देंगे प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बात कर रहा था दोस्तों सपनों की, कि बचपन में हम में से बहुत सारे लोग जब हमें अपने घर की परिस्थिति के बारे में, हमें अपने घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में, घर की सिचुएशन के बारे में पता नहीं था, तो बहुत सारे ख्वाब देखे थे कि हम बड़े होकर के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, बहुत सारे ऐसे सपने थे। बट धीरे 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 जब हम बड़े हुए और जब ये पता चला कि जीवन में जिस सपने को हम लेकर के बचपन से बड़े हो रहे थे, वो सपना पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन को हमें फुलफिल करना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को ये तब पता चला जब वो उस परिस्थिति से आगे निकल चुके थे, जब उनको ये पता था कि जिस फील्ड में, जिस प्रोफेशन में हम जाना चाह रहे थे, उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हमने जीवन में एजुकेशन लिया ही नहीं, हम जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे जब हम उस पैदान पे चले ही नहीं, तब जाकर के लाइफ को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर के बहुत टेंशन हुआ, बहुत सारी सिचुएशन में हम परेशान हुए, हताश हुए, निराश हुए इस बात को लेकर के कि यार जीवन में जिस सपने को हम देखा करते थे बचपन में, जिस सपने को पिरो करके हम आगे बढ़ना चाहते थे, उस सपने को पूरा करने के लिए जो मार्ग था, जो जो रास्ता था, उस रास्ते पे जाने के लिए जिसकी जरूरत थी, वो हम अपने पेरेंट्स की वजह से हम उस रास्ते पे जा ही नहीं पाए, तो हम जीवन में क्या कर पाएंगे? और उनकी जीवन, उनकी लाइफ ऐसे ही चल रही थी। ठीक उसी बीच मुझे लगता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को, जितने लोग इस स्क्रीन पे हैं, सबको मौका मिला एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करने का, एक ऐसे प्रोफेशन में काम करने का, जहाँ पे आने के बाद एक उम्मीद जगा कि यस, हम अपने जीवन में जिस भी सपने को देखे थे, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, पायलट बनने का, रेलवे में जाने का, डिफेंस में जाने का, हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करके, वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो पायलट, वो डिफेंस तो नहीं बन सकते, लेकिन वो बनने के बाद जो लाइफ स्टाइल हमारी होती, उस प्रोफेशन में जाने के बाद जो हमारा फ्यूचर होता,
उस प्लेटफॉर्म उस जगह पे जाने के बाद जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है, हमारी जो जीवन होता, उससे बेहतर कहीं ना कहीं हम इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। और उस सोच के साथ हम में से हर व्यक्ति इस प्रोफेशन में, इस प्लेटफॉर्म पे शुरुआत किए थे, और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस सोच के साथ इस प्रोफेशन को शुरुआत किए, और साथ के साथ वो आज अपने सपने को भी पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कर चुके हैं और बहुत सारे लोग उस रेस में अपने मंजिल के उस करीब हैं। मैं इस बातों से सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्तों, जीवन में सपने को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस प्लेटफॉर्म के साथ साथ उस जगह पे एक एग्जाम्पल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप और जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस प्रोफेशन में आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम है, वो पूरा होगा, इसमें कहीं कोई डाउट, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके बहुत सारे उदाहरण इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में ऑलरेडी मिला हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं, जिनको आप सुनते हैं, जिनसे आप मिले हुए हैं, जो लोग आप ही के तरह इस प्रोफेशन में, इस प्लेटफॉर्म पे किसी एक टाइम पे एक छोटे से सपनों के साथ शुरुआत किए थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के बाद वो अपनी फोकस को बढ़ाते गए और जीवन में आगे बढ़ते गए। अब बारी आपकी है। बींग ए लीडर, मैं आज अपनी सेशन में सिर्फ एक मैसेज आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। ये नया साल है, अभी जनवरी मंथ में हम सब लोग हैं, और जनवरी हमेशा इंसान को सपने दिखाती है, लेकिन उसी जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते आते उस इंसान की वो दिसंबर औकात दिखाती है। अगर जनवरी से दिसंबर के बीच की जो सफर है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो एक लाइन में ये है कि जनवरी सपने दिखाती है और दिसंबर औकात। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में एक ड्रीम को लेकर के, एक सपनों को लेकर के, अगर अपने प्लेटफॉर्म पे रात दिन मेहनत करता है, बिना किसी किंतु परंतु का, बिना किसी एक्सक्यूज का, बिना किसी बहाने का, तो 100% जो व्यक्ति जनवरी में सपना देखता है ना, वही व्यक्ति नेक्स्ट दिसंबर में अपने मंजिल पे होता है। इसलिए मैं बींग ए लीडर आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि सिर्फ जनवरी में सपने ना देखिए, उस सपने को पूरा करने के लिए जिस अपलायन के साथ है, जिस स्टेट में आप हैं, जिस क्षेत्र में आप हैं, किसी ना किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु मानिए, उसकी बातों को फॉलो कीजिए और उस पे काम कीजिए, कामयाबी 100% मिलेगी। और उसी व्यक्ति को आप फॉलो कीजिए जो व्यक्ति ऑलरेडी उस मंजिल पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि आपको आपके जीवन में, बड़ा सिंपल सा, कामयाबी का डिफिनेशन बड़ा सिंपल है, कोई भी व्यक्ति आपको आपके जीवन में वहां वही पहुंचा सकता है जो ऑलरेडी पहुंचा हो। जो नहीं पहुंचा है वो बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। जैसे हम और आप जिस समाज से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, उस जगह पे बड़े सारे लोग ऐसे आपको मिलते हैं जो जीवन में वो कुछ नहीं किए होते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नसीहत बड़ी बड़ी देते हैं, सलाह बड़ी बड़ी देते हैं। कितनी कमाल की बात है। जो व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक सपना पूरा की बातें कर रहा हो, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की अहमियत, अगर आपके लाइफ में अगर कोई उस व्यक्ति को चुनिए, उस व्यक्ति को ढूंढिए, उस व्यक्ति को खोजिए जो व्यक्ति ऑलरेडी अपने जीवन में अपने सपने को पूरा किया हुआ है। और अगर आप उसको ढूंढने में अगर कामयाब हो जाते हैं, तो यकीनन आप भी अपने जीवन में उस मंजिल को हासिल करेंगे जिस मंजिल पे आप जाना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं दोस्तों, बहुत छोटा सा।
जिस प्लेटफॉर्म पे जिस प्रोफेशन में हम बैठे हुए हैं, मैं हमेशा से लोगों को एक बात समझाता हूँ कि जीवन में कोई भी व्यक्ति कितना भी तेज हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी समझदार हो, लेकिन वो एक समय सीमा तक मेहनत करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को अगर अपनी क्षमता से ज्यादा कामयाबी चाहिए, अपनी मतलब मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज्यादा कामयाबी चाहिए, तो फिर उस व्यक्ति को सिस्टम की जरूरत होती है। और जीवन में जितना कामयाबी, जितना कामयाब मेहनत होता है, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा कामयाब दोस्तों सिस्टम होता है। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। हम टीम को कांटेक्ट कर रहा हूँ, मैं लखनऊ में हूँ और मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है, दूरी है 500 किलोमीटर। अगर मैं पैदल जाता हूँ तो मुझे तकरीबन 15 घंटा लगेगा इस दूरी को तय करने में, उससे ज़्यादा ही लग सकता है, अंदाज़ा मुझे नहीं है क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ। लेकिन अगर इस पैदल दूरी को अगर मैं साइकिल से कनेक्ट करता हूँ तो कम से कम मुझे 10 घंटा लगेगा। लेकिन इसी दूरी को मैं अगर अपनी 4 व्हीलर से कंप्लीट करता हूँ तो मुझे 8 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर इसी दूरी को मैं अगर फ्लाइट से जाता हूँ तो मान 1 घंटा लगेगा। अब इस बात को समझिएगा, डेस्टिनेशन सेम है, दूरी सेम है, मेरी मंजिल सेम है, लेकिन अलग अलग आप इस बात को ऐसे समझ रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है उसको 10 घंटा लग रहा है, कोई 4 व्हीलर से जा रहा है उसको 6 घंटा लग रहा है, लेकिन वही कोई फ्लाइट से जा रहा है तो मात्र उसको 1 घंटा लग रहा है, दूरी में है। लेकिन अगर अलग अलग रिजल्ट है तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का कमाल है। आप एक बात बताइए, अगर एक व्यक्ति आंख से अंधा हो, अगर उसको कोई बहरा हो, उसको भी अगर उस फ्लाइट से जाना हो तो 1 ही घंटा लगेगा। हो सकता है क्योंकि वो व्यक्ति जो अंधा है अगर उसको पैदल जाना हो दिल्ली तो नहीं पहुंच सकता है क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर वही अंधा व्यक्ति अगर उसको फ्लाइट से जाना हो तो उसको 1 ही घंटा लगेगा, कोई बहरा हो उसको 1 ही घंटा लगेगा, कोई कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कोई मैटर नहीं करता है, डेस्टिनेशन सेम है और सिस्टम की वजह से सभी लोगों को 1 ही घंटा लगेगा। शर्त एक ही है कि उन सभी लोगों को फ्लाइट की यात्रा, फ्लाइट की टिकट करके, बोर्डिंग पास ले करके उनको उस जहाज तक, उस फ्लाइट तक उस जाना पड़ेगा। वहां अगर वो पहुंच जाते हैं तो वहां से उनके उस डेस्टिनेशन तक, उस मंजिल तक लेकर के जाने की जिम्मेदारी किसी और व्यक्ति की है। वहां तक अगर वो पहुंच गए तो वो चाहे अंधे हो या बहरे हो या पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिस्टम ऐसा है जो उनको सेम डेस्टिनेशन पे सेम टाइमिंग में पहुंचा देगा। मेरे दोस्त, जिस प्लेटफॉर्म पे हम और आप सब बैठे हुए हैं, अगर आप इस सिस्टम को अपने जीवन में लागू करते हैं, अगर आप इस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं और अगर इस पे काम करते हैं, तो आप चाहे कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो, कम ताकतवर हो या ज्यादा ताकतवर हो, कम बोलते हो या ज्यादा बोलते हो, मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस सिस्टम में वो ताकत है, इस सिस्टम में वो पावर है जो आपके जीवन में आपकी कामयाबी तक ये सिस्टम पहुंचा सकती है। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म की, ये ताकत है इस प्रोफेशन की और इतिहास गवाह है। अगर आप इस इंडस्ट्रीज के लोगों को अगर आप उठाएंगे तो बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे मिलेंगे जिनको 1 करोड़ में कितना शून्य होता है ये भी पता नहीं था, लेकिन ये इंडस्ट्री, ये प्लेटफॉर्म उनको करोड़पति बनाया।
जिनको ठीक से बोलना नहीं आता था, बिजनेस क्या होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, जीवन में सपने क्या होते हैं, एटीट्यूड क्या होता है, विजन क्या होता है, जिनको इस सबकी कोई नॉलेज नहीं थी, इसके बावजूद भी इस प्लेटफॉर्म ने उनको उस मुकाम पे पहुंचाया जिस मुकाम पे जीवन में वो कभी पहुंच नहीं सकते थे। इसलिए जितने भी लोग आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं मेरे द्वारा कामयाबी के लिए, मैं एक मंत्र आपको देना चाहूंगा, ये प्लेटफॉर्म, ये प्रोफेशन जहाँ पे आप और सब हम और बैठे हुए हैं, जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज के डेट में दोस्तों हम जिस देश के वासी हैं, हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, आई लव माई इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सत्य है, ये सच है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे देश में आज के डेट में इतनी बेरोजगारी है, इतनी प्रॉब्लम है कि एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके पास इतनी मोटी डिग्री होने के बावजूद भी वो अपने जीवन में स्थिर नहीं है, वो अपने लाइफ में परेशान है, हताश है, निराश है। जितनी काबिलियत उनके अंदर है और जितनी काबिलियत उनके डिग्री के अंदर है, जितनी नॉलेज उस व्यक्ति के अंदर है और जितना कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति के अंदर है, उस कॉन्फिडेंस के बावजूद भी वो व्यक्ति अपने जीवन में मायूस है। इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति को स्पेस नहीं मिल रहा है, उस व्यक्ति को अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए, अपनी उस कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए उस व्यक्ति को स्पेस नहीं मिल रहा है। और कहा जाता है दोस्तों, जीवन में अगर आपके अंदर काबिलियत है, कॉन्फिडेंस है, स्किल है, और अगर स्पेस ना मिले तो आप अपने स्किल को कहीं दिखा नहीं सकते, नहीं दिखा सकते। जैसे मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना जानते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेस ना मिले तो आप खेल पाएंगे? आंसर होगा नहीं, क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए भी स्पेस चाहिए। जहां पे एक व्यक्ति बॉल को फेंके और दूसरा व्यक्ति उस बॉल को मारे, अगर एक स्पेस ही ना मिले तो वो कला आपके अंदर होने के बावजूद भी आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी चलाना भी जानते हैं, लेकिन अगर स्पेस ना हो तो आप उस कला को नहीं दिखा सकते। तो दोस्तों, जीवन में काम करने के लिए, कामयाब होने के लिए स्पेस का बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं इस बातों को जानता हूं कि हमारे देश में आज के डेट में स्पेस का बहुत कमी है, बहुत कमी है। आए दिन टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के बिना रह भी नहीं सकते। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को इग्नोर करते हैं, अगर किसी टेक्निक को हम इग्नोर करते हैं, उसको अनदेखा करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो ये भी बात सत्य है कि हम बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए टेक्निक को छोड़ा भी नहीं जा सकता, और ये टेक्निक हमें रोजगार भी करती है। जिस काम को इंसान करता था, उस काम को आज कोई एक टेक्निक करता है, कोई एक टेक्नोलॉजी करता है। इसलिए जिस प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग बैठे हुए हैं, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, जिस मीटिंग को आज हम सब लोग कर रहे हैं, आप खुद सोच करके देख सकते हैं, ये एक किसी टेक्निक का कमाल है कि आप में से कोई उड़ीसा से ज्वाइन किया है, कोई बंगाल से होंगे, कोई झारखंड से होंगे, कोई बिहार से होंगे, कोई यूपी से होंगे, कोई हरियाणा से होंगे, कोई उत्तराखंड से होंगे, कोई दिल्ली से होंगे, कोई महाराष्ट्र से है, कोई मुंबई से है, कोई असम से है, कोई अंडमान निकोबार से है, कोई अलग अलग, मतलब पैन इंडिया से लोग बैठे हुए हैं। और मैं एक स्टेट के, एक डिस्ट्रिक्ट के अपने घर में बैठ करके इस बात को कर रहा हूँ और आप सब लोग सुन रहे हैं। तो एक टेक्निक है। अगर मुझे इस मैसेज को, इस बात को, अगर जितने लोग इस स्क्रीन में है, अगर इन सभी लोगों के बीच में पहुंचाना होता और अगर एक टेक्निक नहीं होता, तो सोचिए कितना टाइम लगता। मुझे लगता है कि शायद, मुझे लगता कि शायद मैं अपनी बात को टाइम से सभी लोगों के बीच में पहुंचा भी नहीं सकता। लेकिन अगर आज एक टाइम में, एक स्क्रीन पे, एक समय में, अगर अपनी शब्दों को अगर 20 स्टेट के लोगों में, पैन इंडिया में, अगर मैं अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूं, तो एक टेक्निक का कमाल है, ये एक टेक्नोलॉजी का कमाल है दोस्तों। तो आने वाले समय में
बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऐसा आने वाला है जो लोगों को और अपने घर पे बिठाएगा, लोगों को और बेरोजगार करेगा, इसमें कहीं कोई डाउट किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इस बात से हम इस बातों से पीछे नहीं हट सकते कि नहीं उसकी क्या जरूरत है, क्योंकि अगर वो टेक्नोलॉजी का, उस टेक्निक का अगर हम एक्सेप्ट नहीं किए, उसका सम्मान नहीं किए, तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्रोफेशन में हम और आप हैं दोस्तों, अगर आप के जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम है, अगर उसको अपने दिल और दिमाग में बैठा करके, उस पे फोकस रख करके अगर आप काम करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं इस बात का कि इस प्रोफेशन को लेकर के हमारी गवर्नमेंट जितनी जागरूक हो रही है, जितना बेहतरीन सोच रही है, खास करके 2024, मैं इस बातों को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, 2024 डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के लिए सबसे सुनहरा, सबसे बेहतर साल होने वाला है। क्योंकि इस साल के अंदर हो सकता है मेरी बातों में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मेरा है, जितनी एक्सपीरियंस, जितनी नॉलेज मेरा है, मैं इस बात को आपको गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, 2024 के अंदर ये प्रोफेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्रीज के अंदर, इस इंडस्ट्रीज के खिलाफ जा करके, इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जो सिस्टम है उससे अलग होकर के जो काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों का सफाया हो जाएगा। कुछ ऐसी कंपनियां, कुछ ऐसे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, जो इस प्रोफेशन के नाम पे लोगों के सपनों के साथ, लोगों के उम्मीदों के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ऐसे लोग गायब हो जाए। और इमेजिन कीजिए, जब इस प्रोफेशन में सिर्फ वही लोग होंगे, वही कंपनियां होगी, वही मैनेजमेंट होगी जो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज रखती है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनको ज्ञान है, जो इस प्रोफेशन को, इस इंडस्ट्रीज को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, जब सिर्फ इतने लोग होंगे तो कितना मजा आएगा काम करने में, कितना फक्र महसूस होगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि 2024 डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक गोल्डन ईयर है, एक सुनहरा साल है, क्योंकि साल में बहुत सारे लोग जो गलत तरीकों से, गलत सिस्टम से काम कर रहे हैं, वो जाने वाले हैं, उनका विदाई होने वाला है। और अगर ऐसा हुआ, गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री, जो डिपार्टमेंट इस चीज को देखती है, वो पूरा कमर कस रही है, वो नकेल कस रही है कि हमें इस प्लेटफॉर्म को, इस इंडस्ट्रीज को बहुत आगे लेकर के जाना है। लेकिन इस इंडस्ट्रीज में जो ऐसे लोग हैं जिनको उसका ज्ञान नहीं है, जिनको उतना बड़ा विजन नहीं है, जो किसी भी तरीके का, जो इस इंडस्ट्री को, जो जो एक क्षेत्र में है, जिनकी एक दुनिया है, और उसी दुनिया में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल से सिमटे हुए हैं, जो एक जगह से उभर नहीं पा रहे, और उसी को अपना दुनिया मान करके आज इस इंडस्ट्रीज के साथ अपना नाम जोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों का विदाई होने वाला है। और मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, अगर ये अगर इस साल में हुआ, तो हम और आप प्राउड फील करेंगे SHPL के ऊपर कि हम सब लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, एक ऐसे मैनेजमेंट के साथ हैं, एक ऐसे कंपनी के साथ हैं, एक ऐसे प्रमोटर, एक ऐसे CMD के साथ हैं, जिनका विजन की मैं बात करूं, जिनकी सोच की मैं बात करूं, जिनकी एक्टिविटी की मैं बात करूं, जिनकी दूरदृष्टि की मैं बात करूं, वो माइंड ब्लोइंग है। और यही वजह है, आप सबको मालूम है, अभी पिछले साल आज 12 तारीख है, यानी कि 12 दिन पहले पिछला साल था, उस टाइम में SHPL को इमर्जिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इस इंडस्ट्रीज में है जो अपने आप को बड़ा बोलती है, जो अपने आप को बड़ा मानती है, जो अपने आप को नंबर वन बोलती है, जो अपने आप को बहुत पुरानी बोलती है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना कि आप क्या थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या है ये इंपॉर्टेंट है।
आप किसी मैच में सेंचुरी मारे थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आज के मैच में आपने क्या कितना रन बनाया है ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन किस टाइम पे क्या था ये कोई मैटर नहीं करता है, आज किसकी ग्रोथ, किसका विजन, किस कंपनी में सक्सेसफुल होने का रेशियो सबसे बड़ा है, सबसे बेहतर है, ये इंपॉर्टेंट है। और बड़े प्राउड के साथ बींग ए लीडर आप सब जानते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि SHPL अपनी पहचान उस तरीके से आगे बढ़ा रही है कि कंपनी के जो डायरेक्टर गोपाल सर हैं उनका विजन है 2025 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर हम कंपनी को नंबर 5 के अंदर लेकर के जाएं। और मैं सर को बहुत करीबी से जानता हूं, सर की विजन को जानता हूं, सर की एक्टिविटी को जानता हूं, सर की जो सोच है मैं उसको जानता हूं। मैं इस बातों को 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों कि 2030 के अंदर, 2030 आते आते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कंपनी पे अगर कोई होगा तो होगा SHPL, होगा सर्व श्री हर्ष प्राइवेट लिमिटेड। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऐसे कंपनी में और ऐसे जगह पे हम सब लोग हैं। जरूरत है सिर्फ व सिर्फ आपको अपने सपनों के ऊपर 100% देने की जरूरत है, क्योंकि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे सोच रहा है, किसकी क्या एक्टिविटी है, किसकी क्या सोच है, उससे हमारे सपने पूरे नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर जीवन में मुझे कामयाब बनना है तो उसके लिए सोचना मुझे पड़ेगा, उसके लिए काम मुझे करना पड़ेगा, उसके लिए प्लानिंग मुझे करनी पड़ेगी, उसके लिए एक्टिविटी, उसके उसके ऊपर एक्शन मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे इस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके अलग अलग ड्रीम होते हैं, कोई सीरियस होता है, कोई टाइम पास करने के लिए आता है, कोई इस बिजनेस में आजमाने के लिए आता है, कोई ये सोच के आता है चलो करके देख लेते हैं, कोई ये सोचता है कि बहुत सारे लोग किए हम भी करके देख लेते हैं। इससे सपने पूरे नहीं होते हैं, सपने तब पूरे होंगे जब आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएंगे और उस लक्ष्य के ऊपर अपनी फोकस को रख करके काम करेंगे दोस्तों। और जो करते हैं उनको कामयाबी मिलती है, उनको ये इंडस्ट्री, ये प्लेटफॉर्म, ये प्रोफेशन जमीन से उठा करके आसमान पे बैठा देता है। और जो ये सोचते हैं कि चलो सब लोग जैसे कर रहे हैं मैं ऐसे ही करके देख लेता हूँ, फिर ऐसे लोग इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये नया साल का ये पहला महीना है, और पहले महीने में अभी हम सब लोग उसमें गुजर ही रहे हैं, अभी उसमें जा ही रहे हैं। तो एक ऐसा ड्रीम बनाइए, एक ऐसा सपना बनाइए और उसके ऊपर उस तरीके से अपनी फोकस को रख करके काम कीजिए कि जब नेक्स्ट हैप्पी न्यू ईयर आए तो आप अपने जीवन में उस मुकाम पे हो कि एटलीस्ट आपके परिवार के लोगों को, आपके समाज के लोगों को, आपके सोसाइटी के लोगों को, आपके रिलेटिव के लोगों को आपके ऊपर प्राउड फील हो कि यस मेरे भी परिवार में अगर किसी व्यक्ति को बनना चाहिए तो इस व्यक्ति के लिए इस व्यक्ति के जैसा बनना चाहिए। और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, इस प्रोफेशन में, इस प्लेटफॉर्म में वो ताकत है, वो पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी सोच के साथ बहुत सारे जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनके जैसा आप पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके जैसा आप लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, उन्होंने शुरुआत किया था, उसमें से एक मैं भी हूं, उसमें से एक मैं भी हूं जिस टाइम पे इस प्रोफेशन में आया था तो ये सोचता था कि जीवन में बहुत बड़ा नहीं करना है, तो एग्जाम्पल की जरूरत किसी बाहर वाले को ना पड़े। जब वो अगर कुछ बनने के बारे में सोचे, वो अपने जीवन में किसी ड्रीम को के बारे में सोचे तो सबसे पहला ख्याल हमारे बारे में आए, और वैसा व्यक्ति आप भी बन सकते हैं। वो चीजें आप इस प्लेटफॉर्म पे है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, वो स्पेस इस प्लेटफॉर्म पे आपके जीवन में स्पेस देता है, जिस स्पेस आप दौड़ना चाहें आप कर सकते हैं, उतना स्पेस ये प्लेटफॉर्म आपके लाइफ में देता है दोस्तों। इसलिए
जो भी आपके टीम में लोग काम करने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ लग करके प्लानिंग कीजिए, और अगर आपने प्लानिंग कर लिया है तो उसके ऊपर काम कीजिए। जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, चैलेंजेस आएगा, किंतु परंतु आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी कुछ जगह पे अभी ठंड का महीना चल रहा है तो ठंडी से भी प्रॉब्लम है, कुछ टाइम के बाद गर्मी से प्रॉब्लम होगा, कुछ टाइम के बाद बरसात से प्रॉब्लम होगा, कुछ टाइम के बाद फिर ठंडी से प्रॉब्लम होगा, ये चलता रहेगा, ये सर्कुलेशन है, रुकने वाला नहीं है। लेकिन हम और आप अगर ये सोच करके रुके रहे कि हम तब चलेंगे या दौड़ेंगे जब मौसम हमारे अनुकूल होगा, जब टाइम हमारे अनुकूल होगा, जब ये सिचुएशन हमारे अनुकूल होगा, तो ना वैसा कोई चीज आएगा, ना वैसा समय कभी आएगा, और ना आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, चैलेंजेस, परेशानी, सिचुएशन, ये जीवन का एक पार्ट है, ये जीवन का एक पार्ट है, ये चलेगा, बढ़ने वाले बढ़ते रहेंगे। हम और आप जिस शहर में हैं, जिस जगह पे हैं, अगर ये सोच करके घर से अपनी गाड़ी में बैठ करके काम पे निकलें, ऑफिस पे निकलें, अपने मंजिल के लिए निकलें, और ये सोचें कि हम तब गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे जब सारी बत्तियां नीली हो जाएगी, तो एक पॉसिबल नहीं है। कहीं नीली है तो कहीं रेड है, अगर कहीं ग्रीन है तो कहीं रेड है। हम ये सोचेंगे कि नहीं, सब ग्रीन होगा तब हम गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसा समय नहीं आएगा। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां ग्रीन है वहां से आगे बढ़ेंगे, और अगर कहीं रेड है तो थोड़ा वेट करेंगे, फिर ग्रीन होगा, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। तो ये चैलेंजेस, चुनौती, परेशानी, वो रेड बत्ती की तरह है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ग्रीन होगा, फिर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये सोच करके हम एक जगह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि सब ग्रीन होगा तो ही आगे बढ़ेंगे, तो फिर कभी ऐसा समय नहीं आएगा। इसलिए ये इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट महीना है, और सबसे एक्साइटेड महीना है, जिस महीने में लोग सपने देखते हैं, और उस सपने को कितने लोग पूरे कर पाते हैं ये आप सबको पता है। इसलिए जिस सपने को आप देखे हैं, अपने सीनियर के साथ, अपने अपलाइन के साथ लग करके काम कीजिए, और जो भी चैलेंजेस आता है, जो भी चुनौती आता है, जो भी परेशानी आता है, उस परेशानी को आप अनदेखा कीजिए, इग्नोर कीजिए, जीवन में 100% आगे बढ़ेंगे दोस्तों। का मूल मंत्र है, तो सभी लोगों को एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जिस ईश्वर को मानता हूं, उनसे प्रार्थना है कि आप जीवन में आगे बढ़ें, और ये साल आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल हो, सबसे बड़ा साल हो, और इस साल के अंदर आपके सभी सपने पूरे हो। फिर से उसी सपनों के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी फोकस के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर के साथ लग करके काम कीजिए, ताकि 2024 आपके जीवन का सबसे बेहतर साल हो। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड सो ब्यूटीफुली आपने इतने अच्छे तरीके से सक्सेस का मंत्रा दिया, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, रेड लाइट का एग्जाम्पल दिया कि हाँ थोड़ा रुको, ये समय है रुकने का और ये समय है चलने का जहां पे ग्रीन लाइट है। और ये सच में जोश भरी जनवरी को और जोश में डाल दिया आपने और मजा आ गया आपको सुन करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और कीमती समय में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ जाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा, और यहां पर मैं उनके बारे में उनको भी सुनना चाहूंगा कि उनको कैसा लगा आज का ये सेशन। यहाँ पर 10 सेकंड के लिए मैं उनको अनम्यूट करूंगा और अब वो बोल सकते हैं कि कैसा लगा आपका। बहुत
अच्छी बैटिंग थी सर जी। जी बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत सर, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा सर जी, बहुत जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद वाली मीटिंग थी, बहुत शानदार, बहुत ही सर जी, बहुत शानदार, जबरदस्त मीटिंग चाहिए थी उस हिसाब से मीटिंग हुई है, शानदार, जिंदाबाद। आपके जोश और आपके इस हर्ष को देखते हुए मजा आ गया, और ऐसे लीडर को भी बहुत अच्छा लगता है कि वो जब देखता है कि हाँ लोगों को कितना पसंद आया है उनका बात करना और उनके उनका बात करना, मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा, ये बहुत ही बेहतरीन वेबिनार रहा, और उम्मीद करता हूं कि आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा और सीख करके अपने जीवन में इसको अप्लाई करेंगे, इसको अपने जीवन में ढालेंगे, ताकि आप भी प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बहुत जल्द बन सके, क्योंकि हम उन्हीं से सीख सकते हैं जो वहां तक पहुंचे हैं। और बिल्कुल, अभी जो उमेश चौरसिया सर थे वो प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर मात्र 9 महीने में पहुंचे थे, आप भी पहुंच सकते हैं अगर आप उनके मार्गदर्शन में चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सर यहां पर आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे समय हो चुका है विदा लेने के लिए, और विदा लेता हूं मैं आप सभी से, फिर मिलेंगे अगले किसी वेबिनार में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और SHPL के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, सायोनारा, सी यू इन नेक्स्ट वेबिनार। मी सरबजीत सिंह सेइंग बाय बाय, आप सबसे विदा लेता हूं, थैंक यू एवरीवन।